हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बनाने वाले हैं मसाले के चावल। उसके लिए हम ले लेंगे 2 गिलास भरकर चावल, और हमें चाहिए मटर चौकी हुई, 1 प्याज, 2 टमाटर चौकिए हैं, 1 अदरक का टुकड़ा चौकिया हुआ, और हमें 2 आलू मीडियम साइज के काट के रख रखे हैं। तो हमने चढ़ा दिया है अपना कुकर, जिसमें हम चावल बनाने वाले हैं। हम डाल देंगे अपने कुकर में ऑयल, कुकर हमने इसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे जीरा, डाल देंगे प्याज चौकी, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पका लेंगे मिक्स करते हुए। देखिए फ्रेंड, हमारे गोल्डन ब्राउन प्याज हो चुकी है, हम इसमें डाल देंगे अदरक। अदरक को हम मिक्स कर लेंगे, डाल देंगे अपने चौकी कटे हुए टमाटर, इसको भी हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे नमक 1 चम्मच, टमाटर को गलाने के लिए जल्दी से। हमारे टमाटर गल चुके हैं, इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये लिए हमने हरी मिर्च 3 से 4, इसको हम लंबा कट कर लेंगे। देखिए हमने इसको कट कर लिया है, इनको हम डाल देंगे हमें मसाले के साथ, कर देंगे हमने मिर्च। देखिए हमारा मिर्च मसाला तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे अपने कटे हुए आलू और मटर। तो फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अपनी सारी सब्जियां। फिर हमारे चावल डालेंगे, चावलों को हमने अपना धो लिया था, तो हम इसको डालेंगे अपने। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे, और हम इसमें डाल देंगे पानी। हमने लिए थे 2 गिलास चावल, तो हम उसके लिए डालेंगे हम 2 गिलास भरकर पानी। हम मिक्स कर लेंगे, मैं थोड़ा सा कम लग रहा था तो हम इसमें थोड़ा सा पानी को और ऐड कर देंगे, जैसे 1/2 कप। 2 गिलास चावलों का हमारा लग गया है 2.5 कप पानी, और हम इसको 1 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो कुकर को हम कर देंगे बंद, और हम देखिए फ्रेंड्स, पुलाव रेडी है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, है ना, हम जा रहे हैं।